पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले दलाई लामा का जन्मदिवस पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में भारत तिब्बत मैत्री संघ द्वारा छोटी काशी मंडी में भी दलाई लामा का जन्मदिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर SP मंडी गुरुदेव शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मैत्री संघ द्वारा दलाई लामा की दीर्घ आयु की कामना की गई। साथ ही उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दलाई लामा के मार्गदर्शन में लंबे समय से जो सहयोग मिलता आ रहा है उससे भारत और तिब्बत के संबंध और मजबूत हों। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए जिसका मुख्य आकर्षण भारत तिब्बत के राष्ट्रगान रहे। इस अवसर पर शहर के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के तहत रामपुर में भी सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। सबसे पहले पूर्व मंत्री एवं रामपुर से 6 बार विधायक रहे सिंगी राम ने सदस्यता ली। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर भाजपा ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी सुरेश शर्मा ने किया। उनके साथ मंडल प्रभारी राजेंद्र कश्यप भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं को बताया गया कि इस बार रामपुर से भाजपा को लोकसभा चुनावों में उम्मीद से बढ़कर बढ़त मिली है। अब भाजपा का प्रयास होना चाहिए कि इन मतदाताओं को भाजपा के पक्के सदस्य बनाए। भाजपा का जो समर्थन उन्होंने दिया है उनके विश्वास को बनाए रखना पड़ेगा। रामपुर के सर्किट हाउस में हुई बैठक के दौरान भाजपा की सदस्यता लेने वालों में प्रमुख रूप से पूर्व मंत्री सिंगी राम के अलावा रामपुर से पार्षद रीता बादल थी। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद जैसे महान नेता एवं देशभक्त जिन्होंने संगठन की नींव रखी थी आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर कार्य को आरंभ किया गया है। सिंगी राम ने कहा कि भाजपा की विविधता के कारण उन्होंने सदस्यता ली है और सदस्यता की संख्या भी 1 है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश व प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है। कुल्लू जिला के निर्मल विकास खंड में 12वां जनमंच कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें जिला के दूरदराज की 12 पंचायतों के लोगों ने हिस्सा लिया। इस जनमंच के कार्यक्रम के दौरान दूरदराज की पंचायतों के लोगों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर जिला मुख्यालय कुल्लू जाने से बचे हैं। प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जनमंच में इन लोगों की अधिकांश समस्याओं की सुनवाई कृषि जनजातीय विकास एवं IT मंत्री डॉ. रामलाल मारकंडे ने की। इनका संतोषजनक समाधान निकालने का भी प्रयास किया गया। उन्होंने लोगों से कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार गंभीर है और इसके लिए बजट में बढ़ोतरी भी की गई है। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग ने रसायनों का खेतों में प्रयोग कम करने का प्रयास किया जा रहा है। बीते वर्ष रसायनों के क्रय में कटौती कर 7 करोड़ रुपए बचाए गए। मारकंडे ने बताया कि प्रदेश सरकार ने गांवों में गौशालों के निर्माण के लिए मंदिरों की आय का 15% व शराब की प्रति बोतल से 1 रुपए की राशि व्यय की जा रही है। जनमंच कार्यक्रम के दौरान निर्मंड विकास खंड की 12 पंचायतों के लोगों की लगभग 115 जन समस्याओं की सुनवाई की गई। इसके अलावा लोगों ने मौके पर लगभग 30 जन समस्याएं कृषि मंत्री के समक्ष रखी जिनमें से अधिकांश का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। समारोह के दौरान विधायक किशोरी लाल सागर ने जनमंच को मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच से उपजा एक बहुआयामी कार्यक्रम बताते हुए कहा कि इससे गांव के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उनकी समस्याओं का समाधान तुरंत मौके पर ही हो रहा है। जनमंच के दौरान उपायुक्त डॉ. ऋचा वर्मा, APMC के अध्यक्ष अमर ठाकुर, जिला परिषद अध्यक्ष रोहिणी चौधरी, विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधि, जिला व उपमंडल स्तर के अधिकारी, महिला एवं युवक मंडल के पदाधिकारी शामिल रहे।
हिमाचल प्रदेश में बीजेपी पार्टी 5 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसकी शुरुआत ऊना में बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने की। पार्टी अध्यक्ष की माने तो आज प्रदेश व देश में नए सदस्य बनाने के अभियान की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शनिवार को इसका विधिवत उद्घाटन भी किया है। हिमाचल में पार्टी के साथ अभी तक 13,41,000 सदस्य जुड़े हुए हैं। नए प्राइमरी सदस्य 5 लाख बनाने का लक्ष्य पार्टी ने रखा है, जिसके तहत काफी संख्या में लोग ऊना पहुँच रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं को निशुल्क एलपीजी सिलेंडर व चूल्हे भी वितरित किए गए हैं। सत्ती ने बजट को आम आदमी और गरीब का बजट बताया। सत्ती की माने तो आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसको लेकर कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। सत्ती ने बजट पर सवाल उठाने वाले कांग्रेसियों पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी दिशाहीन पार्टी है। कांग्रेस के बड़े नेता तो इस पर कुछ भी बोलने से साफ मना कर रहे हैं, लेकिन कुछ नेता जो बजट पर बोल रहे हैं उन्हें इसका ज्ञान नहीं है। सत्ती की माने तो जिस प्रकार का बजट पेश हुआ है, आने वाले 2024 में जनता इसी बजट को देखकर अपना वोट करेगी।